हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेशन ऑफ फैट। फ्रेंड्स, वाया द फाइनेंस बिल नंबर 2 ऑफ 2024 सेक्शन 74A इज इंट्रोड्यूस्ड। सेक्शन 74A इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सो बिफोर 24-25 दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। बिफोर 24-25 सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 इज एप्लीकेबल। हालांकि सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मीनिंग 74 और 74A दोनों के लिए सेम ही होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आइए डिस्कस करते हैं। सप्रेशन ऑफ फैक्ट मींस फेल टू डिक्लेयर द फैक्ट और इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपने कोई फैक्ट और इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं किए है। कहां पे डिक्लेयर नहीं किया? इन द रिटर्न, इन द स्टेटमेंट, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। और अगर आपने रिटर्न में कोई डिटेल सबमिट नहीं की तो कौन कौन से रिटर्न होते हैं? आपका सेल्स का रिटर्न होता है GSTR 1, सेल्स और ITC का रिटर्न होता है, और पेमेंट जिससे होता है वो GSTR 3 भी। अगर आपने इसी रिटर्न में कोई इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं की तो उसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जा सकता है। या फिर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला गया है बाय द प्रॉपर ऑफिसर और आपने वह इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं की तो उसे भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। नाउ हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका जो GSTR 3B रिटर्न होता है उसमें आपको जीरो रेटेड सप्लाई की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब आपका आ जाता है एक्सपोर्ट या फिर सेज रिलेटेड सप्लाई, जहां पे टैक्स को बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो अगर आपने 3B में जीरो रेटेड सप्लाई की इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर नील रेटेड सप्लाई की इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई मीन मतलब आप सप्लाई करो फिर भी उसमें GST नहीं लगेगा, तो अगर आपने इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसे बोलेंगे फेल टू डिक्लेयर द फैक्ट। नाउ अनदर थिंग, अगर आपको 3B फाइल करना है और 3B में आपने इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड टू एग्जम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई, मतलब आपने इन सब की वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड टू दी एग्जम, नील रेटेड और नॉन GST सप्लाई, अगर आपने इसको भी डिक्लेयर नहीं किया तो उसे भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पे पहले ही पॉइंट में लिखा है सप्रेशन ऑफ फैक्ट मीन्स फेल टू डिक्लेयर दी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इन दी रिटर्न। इन दी रिटर्न मतलब आपका 3B आ गया, अगर आपने 3B में इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड टू नॉन GST, नील रेटेड और एग्जम सप्लाई की वैल्यू नहीं दी, या फिर आपने आउटवर्ड सप्लाई में नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, नील रेटेड आउटवर्ड सप्लाई या जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं दी तो उसे भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जा सकता है। और एक और चीज आती है 3B में आपको डिस्क्लोज करने की होती है, जो कि पॉइंट नंबर 3.1A में आता है। आपने सेल्स आउटवर्ड रिलेटेड सप्लाई की डिटेल तो दे दी सेल्स एंड टैक्स की, लेकिन उसके बाद उसकी सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सप्लाई टू URP दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन स्टेट वाइज, देन सप्लाई टू द UIN होल्डर एंड सप्लाई टू द कंपोजिशन पर्सन। अगर आपने इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी तो उसे भी फेल टू डिक्लेयर दी इंफॉर्मेशन माना जाएगा और सप्रेशन ऑफ फैक्ट में आ सकता है। नाउ अगर डिपार्टमेंट ने मान लिया सप्रेशन ऑफ फैक्ट तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिमेम्बर, अगर ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट को मान लेते हैं और सेक्शन 74A लगा देते हैं तो यहाँ पे आपको पेनल्टी जो लगेगी वो फ्रॉड केस की लगेगी, ठीक है? सो व्हाट विल बी द पेनल्टी? अगर आपने नोटिस इश्यू हो जाने के 60 डेज में पेमेंट कर दिया तो 25% ऑफ टैक्स इज अ पेनल्टी। अगर आपने ऑर्डर इश्यू हो जाने के 60 डेज में पेमेंट कर दिया तो 50% ऑफ द टैक्स विल बी पेनल्टी। अगर आप ये दोनों टाइमलाइन मिस करते हैं देन पेनल्टी विल बी 100% ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्रेशन ऑफ फैट। So I hope you will understand what is the meaning of suppression of fat under the GST and what are the consequences of the suppression of fat. Thank you very much.